ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। शीतलहर लोगों की धूजड़ी चुटा रही है, तो वहीं दिन में भी शीतलहर अपने असर दिखा रही है। हालांकि दिन में धूप में आई तेजी, इसके कारण दिन के समय सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ, लेकिन सुबह शाम सर्दी का असर अभी भी बरकरार है। लगातार शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, राहत की बात यह भी है कि दिन में जो धूप निकलती है उससे सर्दी का असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शाम को फिर से सर्दी अपना सितम दिखाना शुरू कर देती है। और जिस तरह से लगातार शीतलहर चल रही है, उससे भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरुधरा में सर्दी का दौर देखा जा सकता है। वहीं देखिए, तस्वीरें आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कड़कती ठंड जो है और जो सर्दी पड़ रही है उससे बचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अभी देखिए, राहत की बात यह भी है कि दिन में जिस तरह से तेजी की धूप निकलती है उससे सर्दी में थोड़ी सी राहत महसूस की जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से शाम को सर्दी का सितम देखने लगता है। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण मेघवाल उदयपुर से जुड़ चुके हैं और कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। नारायण, सबसे पहले देखिए आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सर्दी अपने सितम दिखाना बंद नहीं कर रही है। उदयपुर की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि झीलों का कहा जाता है उसको, लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर का, किस तरह का तापमान अभी उदयपुर में देखा जा सकता है? देखिए आयुषी, आप जो बता रही थी कि मौसम जो रात और शाम का जो मौसम है वो सर्द है, वैसा ही उदयपुर शहर का भी तापमान है कि रातें एकदम सर्द है, शाम को 5 बजे बाद में धूजड़ी छूटनी शुरू हो जाती है जो सुबह 10 बजे तक के आसपास रहती है। और तापमान में बीते मंगलवार को जो 12.4 डिग्री टेम्परेचर था, आज 6.1 डिग्री तापमान जो उदयपुर में आंका गया है। इसके बाद में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। हालांकि उदयपुर शहर में जो दिन के तापमान में 12 बजे से शाम को 4-5 बजे तक के आसपास तापमान में जरूर वृद्धि हुई है। जी आयुषी जी, बिल्कुल देखिए, समझा जा सकता है, यानी कि दिन में जिस तरह से तेज धूप निकलती है उसके बाद में लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। कमलेश से एक बार बात कर लेते हैं। कमलेश, क्योंकि आप माउंट आबू से अभी कनेक्टेड है, पहाड़ी इलाका है, सर्दी थोड़ी ज्यादा अपना सितम दिखाती है, किस तरह का माहौल अभी देखा जा सकता है माउंट आबू में? आयुषी, अरावली का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सर्दी के आगोश में है, क्योंकि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हुई उसका सीधा सीधा असर फिलहाल माउंट आबू में भी जारी है। पिछले कई दिनों से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है जमाव बिंदु के नीचे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज भी नजारा यही नजर आ रहा है। आयुषी, तमाम इलाकों में जो ओस की बूंदे हैं बर्फ में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं, आयुषी देखिए, माउंट आबू की वादियां लाल सुर्ख नजर आ रही है और कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का दौर माउंट आबू के अंदर जारी है। और इस कड़ाके की सर्दी के वजह से बीते कई दिनों से शहर का जो न्यूनतम तापमान है जमाव बिंदु के नीचे है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, भाई साहब कैसी परेशानी होती है आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं? तो बहुत परेशानी लगती है, काफी धुंध रहती है और उठने में तकलीफ है, पानी अगर बिल्कुल कमी, समझा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार 6:30 स्कूल का टाइम है, उनको आना जाना बड़ा दिक्कत है, अंधेरा छाया रहता है, धुंध छाई रहती है और सर्दी में हाथ पांव बिल्कुल काम करना। देखिए आयुषी, जो माउंट आबू की सर्दी है कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी आयुषी जी बिल्कुल कमलेश, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह ओस की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखा जा सकता है। तो वहीं देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। गौरव है, जयपुर की बात कर लेते हैं, राजधानी जयपुर में इस समय किस तरह का तापमान देखा जा सकता है? जी आयुषी, मरुधरा में अभी ठंड का प्रकोप अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों पड़ी सर्दी का असर, पिछले जैसे आप कल देखेंगे, कल धूप पड़ी, धूप के कारण जो पिछले 2-3 दिन की ठंड थी वो कुछ कम हुई है, दिन का तापमान बढ़ा है, सर्दी से राहत है, परंतु शीतलहर ने अभी भी कपकपी छुड़ा रखी है आयुषी।
बिल्कुल गौरव, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से शीत लहर लगातार चल रही है उससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नारायण एक बार आपसे जुड़ते हैं वापस से, क्योंकि देखिए टूरिस्ट प्लेस भी है उदयपुर, पर्यटकों की आवाजाही किस तरह की देखी जा सकती है उदयपुर में अभी? देखिए अभी शादियों का सीजन है उदयपुर में और टूरिस्ट बूम भी उदयपुर में अभी बढ़ा हुआ है। जिलों के जही फतेह सागर, पिछोला समेत कई जो जिले हैं वहां पर दिन में पर्यटकों का हुजूम देखा जा सकता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँ, 7:20 होने आए हैं और अब जाके भास्कर देव के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच में भी भास्कर देव भी अपने ठंड के बीच में धीरे से निकल रहे हैं और जिलों के शहर में मौसम इतना तेज है कि जो ग्रामीण इलाके की जो जेसमंद का कैचमेंट एरिया है वहां पर पाला पड़ने के अभी असर देखा जा रहा है। जी आई सी बिल्कुल, देखिए नारायण आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से थोड़े थोड़े सूर्यदेव दिखने लगे हैं जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर महसूस होती है, तो वही शादियों का सीजन है तो पर्यटक भी ज्यादा पहुंच रहे हैं उदयपुर। तो वही देखिए कमलेश एक बार आपसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि देखिए माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो जो व्यापारी है वो पूरी तरह से पर्यटकों पर डिपेंड हो चुके हैं, यानी कि ज्यादातर जो कह सकते हैं कि पर्यटक जितने ज्यादा पहुंचते हैं उनका व्यापार उतना ज्यादा बढ़ता है। तो क्योंकि अभी देखिए सर्दी का सितम लगातार जारी है, ओस देखी जा सकती है, बर्फ की हल्की परत देखी जा सकती है, व्यापारियों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए आयुषी, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है तो पर्यटकों की पहली पसंद भी माउंट आबू बना हुआ है। चूंकि शादियों का सीजन है तो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो प्रचलन है उसके चलते माउंट आबू अपनी जो पहचान है एक अलग रूप में यहां पर देता हुआ नजर आ रहा। और खास करके बात करें सर्दी के इस सीजन में, तो सर्दी के इस सीजन में जहां वीकेंड होता है तो पर्यटकों की भरमार तमाम पर्यटक स्थलों पर देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है और पर्यटन की वजह से ही माउंट आबू आगे प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो स्थानीय जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं पूरे पर्यटन पर निर्भर रहते हैं और पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है। इस वजह से जो टूरिस्ट है उसका भी फ्लो यहां पर देखा जा सकता है। और सुबह का नजारा देखिए, एक नजारा दिखाना चाहूंगा, सर्दी का सितम जारी है और नक्की झील के पाल के किनारे पर खड़े रहकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए पर्यटक भी यहां पर देखे जा सकते हैं। तो जो पर्यटकों का रुझान है कह सकते हैं कि माउंट आबू के प्रति है। और खास करके आयुष्य हम बात करें तो जो सर्दी के सीजन में सर्दी के और बर्फ को देखने के जो शौकीन लोग हैं वो कहीं ना कहीं माउंट आबू का रुख करते हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू का जो पर्यटन है उस पर्यटन में चार चांद माउंट आबू की सर्दी लगाती है। जी आयुषी बिल्कुल, देखिए कमलेश समझा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का सितम देखा जा रहा है, पर अगर माउंट आबू की अगर बात करें तो टूरिस्ट के लिए काफी हैपनिंग प्लेस समय बना हुआ है, लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, लुत्फ उठाया जा रहा है। गौरव हमारे साथ जयपुर से भी लगातार जुड़े हैं, गौरव आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरह का देखिए आपने कहा कि दिन में धूप निकलती है, शाम को वापस से हवाओं का सितम शुरू हो जाता है, जयपुर वासियों की किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है अभी? जी आयुषी, जयपुर वालों की प्रतिक्रिया यही है कि सुबह के समय जब आपको ठंड तेज मिलेगी तो लोग चाय वगैरह पीने के लिए, जैसे MI रोड है और भी कई स्थान जयपुर के अंदर हैं जो प्रसिद्ध है, ऐसी जगहों पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। परंतु दिन के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है उसके कारण लोग ऐसे आपको स्वेटर उतारते हुए मिलेंगे, लोगों के अंदर आप देखेंगे कि लोग थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं सुबह और शाम की ठंड से। आयुषी जी बिल्कुल गौरव, देखिए समझा जा सकता है कि यानी कि सर्दी का कहीं ना कहीं लुत्फ भी उठाया जा रहा है और परेशानी भी हो रही है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए थे, उदयपुर से हमारे साथ नारायण जुड़े हुए थे, माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए थे और जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार देखा जा सकता है कि मरुधरा में सर्दी का दौर जारी है, तो वहीं अगर देखिए माउंट आबू से हमने तस्वीरें जिस तरह की देखी है जहां पर पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार जारी है, पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं देखिए उदयपुर की अगर बात करें तो लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है, जिस वजह से शादियों का भी समय दौर है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि शीतलहर अपना असर तो दिखा रही है पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं इसका लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं ये भी देखा जा सकता है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से बारिश हुई थी पिछले दिनों, उस बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी खिलखिलाहट लेकर आई है।